आपने अक्सर अपनी खुली आंखों से खुले आसमान में टूटते हुए तारे को देखा होगा, मेट्रोइड्स देखे होंगे, उल्का पिंडों की बारिश देखी होगी, अनेक चमकीले ऐसी चीजें देखी होगी आसमान में जिसके बारे में आपको पता होता है। लेकिन इस बार एक ऐसी चीज आप आसमान में होते हुए देख पाएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं था और इसका इंतजार वर्षों करना पड़ता है, तब इस तरह का नजारा आपके आकाश में दिखता है। और इस बार नजारा है एक तारे के फटने का। जी हां, ये तारा फटेगा और उसको आप खुली आंखों से देख भी पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि सितंबर तक, यानी आने वाले सितंबर महीने तक, कभी भी ऐसा नजारा आपको खुली आंखों से देखने को मिल सकता है। यानी एक तारे के फटने का पूरा घटनाक्रम आप खुली आंखों से आसमान में देख सकते हैं। तो इसी घटना पर आधारित है हमारी आज की वीडियो। आपको बताएंगे कि ये क्यों फटने वाला है, किस तरीके से फटेगा और आप इसको कैसे देख पाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आप पहली बार महाना मिस्ट्री पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर इस तरह की दिलचस्प जानकारी आपको रोज मिलती है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं, वो आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कल की तारीख में हो जाए, या हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में ये घटना घटे, क्योंकि वैज्ञानिक पुख्ता तौर से ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली वो टाइम कौन सा होगा जब ये घटना होगी, क्योंकि ये घटना है एक तारे के फटने का। और ये तारा जो है एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है, यानी वहां पर दो तारे हैं जो आपस में वो चक्कर लगा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसी तारे को देखकर ये उम्मीद जताई है, ये भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर में एक तारा फट सकता है और उसकी चमक इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको खुली आँखों से आसमान में होते हुए देख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया है इसके बारे में, आइए समझ लेते हैं एक बार। वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस जगह पर इस तारे का विस्फोट होगा वो पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इस तरह का इवेंट, यानी इस तरह की घटना वर्षों में एक बार होती है। और शौकिया जो खगोलविद हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो अंतरिक्ष के इस खास नजारे को कैप्चर करने का मौका चूकते नहीं हैं। और इस बार ये जो तारे में विस्फोट हो रहा है, ये अपने आप में अहम इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके बारे में समय रहते पता चल गया है और उन्होंने उस तारे पर ध्यान केंद्रित कर लिया है ताकि इस घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकें और इससे होने वाले प्रभाव के बारे में गहनता से समझ पाएं। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये जरूर माना है कि वो इसकी टाइमिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जैसे कि इन्हें जो सोलर एक्लिप्स होता है, जो लूनार एक्लिप्स होता है, उसके बारे में तो पता होता है, लेकिन उतनी सटीक जानकारी इस तारे के फटने के बारे में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जब भी होगा तो ऐसा होगा जिसे हर कोई याद रखेगा। आगे वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस तारे में विस्फोट होने वाला है वो एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है, वो एक बाइनरी सिस्टम में बंधा हुआ है। और ऐसे सिस्टम में एक बड़ा तारा होता है और एक सफ़ेद बौना तारा, यानी कि वाइट ड्वार्फ स्टार होता है। तो मौजूदा मामले में बड़ा तारा अपने मटेरियल को सफ़ेद बौने तारे के तल पर डंप कर रहा है, यानी कि इसके केंद्र में जो एक बड़ा तारा है वो अपने सारे मटेरियल्स इस वाइट ड्वार्फ जो स्टार है उसके जो सरफेस है उसके ऊपर में ये डंप करता जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक चक्कर लगा रहे हैं। और मटेरियल डंप होने से ये जो ड्वार्फ स्टार है उसके तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि उसका तापमान बहुत ही बढ़ रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा होने पर उसमें थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट शुरू हो जाएगा और आखिरकार वो उस सारे मटेरियल को अंतरिक्ष में उड़ा देगा और बहुत अधिक चमकीला हो जाएगा। पहले की तुलना में सैकड़ों गुना चमकीला हो जाएगा ये वाइट ड्वार्फ स्टार।
और वैज्ञानिकों को लगता है कि विस्फोट के वक्त आकाश में होने वाले बदलाव को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। और खास बात यह है कि नोवा तारा सिस्टम जिसमें ये तारा मौजूद है वो अपने मटेरियल को एक बार में नहीं उड़ाता, बल्कि वो हर 79 साल में ऐसा करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो विस्फोट है वो नोवा नाम के स्टार सिस्टम में हो रहा है और ये इतना बड़ा हो सकता है कि इसे आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। और नोवा के बारे में आपको बता दें कि ये कहां पर स्थित है ताकि आप उस तरफ ध्यान केंद्रित कर पाएं। तो नोवा हमारे ब्रह्मांड में कोरोना बोरेलिस तारामंडल में मौजूद है। और अगर आपको इस तारामंडल के बारे में जरा सा भी अंदाजा है कि किस दिशा में ये तारामंडल स्थित है तो आप नंगी आंखों से इस घटना को होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इसकी चमक इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको आकाश में, खुले आकाश में नंगी आंखों से देख पाएंगे कि ये तारा फटा है। अब सवाल ये उठता है कि इस तारे के फटने में नासा के वैज्ञानिकों को इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है। तो नासा ने बताया कि जिस तरीके से हमारा सूरज भी एक तारा है और आने वाले सालों में, आने वाले अरबों साल में इसका भी अंत होना तय है, तो उस वक्त कैसा नज़ारा होगा, उस वक्त इसका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया है कि पहले हमारा जो सूरज है वो रेड जायंट में बदल जाएगा, ये 200 गुना आकार अपना बढ़ा लेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसके कोर से वो तापमान जो बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये फिर सिकुड़ता जाएगा और फिर ये रेड ड्वार्फ स्टार के तौर पर वहाँ एस्टैब्लिश होने लगेगा। तो ये तमाम घटनाएँ किस तरीके से होंगी, क्योंकि अरबों साल बाद ये होना है, तो उसके बारे में अंदाजा इस घटना को देखकर लगाया जा सकता है कि जब एक तारे में विस्फोट होता है, जब उसकी मौत होती है, तो उस वक्त उसके आसपास कैसी स्थिति होती है और वो तारा किस तरीके से विस्फोट होकर के ख़त्म होता है, क्योंकि वैज्ञानिक इससे पहले भी कई तारों के सुपरनोवा विस्फोट के बारे में अपने कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से समझ चुके हैं, लेकिन उन्होंने होते हुए एग्जैक्टली नहीं देखा है। ये बहुत एक दुर्लभ मौका होता है जब इस तरीके से किसी तारे को फटते हुए देखा जा सकता है। और जैसा कि पहले से वैज्ञानिक अनुमान लगाते रहते हैं कि जब कोई तारा फटता है तो आसपास हैवी एलिमेंट्स, हैवी मटेरियल्स फैल जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वैज्ञानिक ये भी समझना चाह रहे हैं कि जब इस तारे में विस्फोट होगा तो किस तरीके के हैवी एलिमेंट्स या हैवी मटेरियल्स उसके आसपास के क्षेत्र में फैल जाएंगे। हालांकि वहाँ से कोई सैंपल लाना तो नामुमकिन है, लेकिन जो हमारे पास जो तमाम टेलीस्कोप हैं, जो स्पेस टेलीस्कोप हैं, चाहे वो हबल टेलीस्कोप की बात कर लें, चाहे वो जेम्स वेब टेलीस्कोप हो, तो इस तरह के टेलीस्कोप के माध्यम से वैज्ञानिक इस पर नज़र रख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये घटना होगी तो किस तरीके का नज़ारा वहाँ आसपास होगा, किस तरीके के मटेरियल्स उससे निकलेंगे, और क्या इस घटनाक्रम को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अरबों साल बाद जब हमारे सूरज में इस तरह की घटनाएं होंगी तो उस वक्त यहाँ का नज़ारा कैसा होगा, उसका प्रभाव पूरे प्लैनेटरी सिस्टम में कैसा होगा, हमारे प्लैनेट्स का क्या हो सकता है। तो ये तमाम प्रभावों की गणना इस नोवा जो तारा का सिस्टम है उसमें होने वाले विस्फोट को देखकर वो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए भी वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत अहम घटना होने वाली है, साथ ही ये हमारे और आपके लिए भी बहुत अहम घटना है, क्योंकि इस तरह का नज़ारा हम शायद पहली बार हम अपने खुले आसमान में होते हुए देख पाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।